हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकार ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय। ये मेरी बिटिया उठ गई है और ये आज धमाल करेगी। आज है सैटरडे और पापा की है इसकी छुट्टी, तो दोनों मिलके आज धमाल करेंगे, है ना? तो ये है सैटरडे का ब्लॉग। सुबह उठ के फटाफट से काम सारा निपटाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो आज अर्बन क्लैब से पेस्ट कंट्रोल के लिए स्लॉट बुक कर रखा है। एक्चुअली में मैं बहुत टाइम से ना अपने किचन में ना कीड़े देख रही थी, बहुत छोटे छोटे कीड़े मसालों में लग गए थे, बहुत सारे मसाले मुझे फेंकने पड़े, तो मैंने बुक कर लिया था और भैया आ गए थे टाइम पर। उन्होंने फटाफट से किचन का सारा सामान बाहर निकाला और उसके बाद दवाई डाली, कहा हमसे कि 2 घंटे बाद आप पोछा लगवा के तब अब सामान शिफ्ट करना, तब तक बच्चे को यहाँ से दूर रखना क्योंकि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो जब 2 घंटे बाद मेरी मेड आई तो मैंने फटाफट से उसे क्लीन करवाया, सब कुछ पुछवाया, फिर कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था और हम लोग निकल गए थे अपने घर का राशन लेने के लिए। मंथली जो भी राशन आता है वो मैं जाके डीमार्ट से लेती हूँ, तो इस बार मैं मेरे हस्बैंड निकल गए थे स्कूटी से क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, तो हमने सोचा कि इस बार स्कूटी से चलते हैं, हर बार तो गाड़ी से जाते हैं, इस बार मौसम का मज़ा लेते हुए डीमार्ट पहुंच गए हम यहाँ। और जाते ही देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सैटरडे था तो सैटरडे संडे यहाँ बहुत भीड़ रहती है। डीमार्ट एक ऐसी जगह है जहाँ आपको घर से रिलेटेड जितना भी राशन है या ग्रॉसरी का जितना भी सामान है आप लोग को वहाँ मिल जाएगा, तो मैं यहीं आती हूँ हर महीने अपना जितना भी राशन है या घर से कुछ भी रिलेटेड सामान है, बेडशीट, पर्दे या गारमेंट्स वगैरह भी यहाँ मिल जाते हैं, आपको जितने भी कपड़े हैं सब कुछ यहाँ मिल जाता है। घर के जितने भी मैं डब्बे मुझे चेंज करने थे तो यहाँ मुझे वो डब्बे ले रही थी और कुछ मसालों के लिए डब्बे लिए मैंने, उसके बाद स्टील के कुछ बर्तन लिए थे, सब कुछ यहाँ मिल जाता है तो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता इस चीज़ के लिए। तो ये एक डीमार्ट मुझे बहुत बेस्ट जगह लगती है अपने घर के सामान के लिए, तो यहाँ मैं सब कुछ जितना भी हम सबको एक मंथ में जितना चाहिए होता है वो सब मैं यहाँ इकट्ठा कर रही थी और वो सब ले रही थी। तो यहाँ कुछ कपड़े देख रही थी, उसके बाद मैंने घर में जितने भी किचन में टॉवल वगैरह चाहिए थे वो पुराने हो चुके थे वो चेंज करने थे, फिर पोछा वगैरह का कपड़ा था वो भी चेंज करना था वो लिया, उसके बाद फटाफट से बिल करवाया और घर आ गए थे क्योंकि उसी दिन था वर्ल्ड कप मैच। घर का सारा काम छोड़ के सब लोग यही देख रहे थे कि घर का काम तो बाद में होता रहेगा, देख रहे हैं आप लोग पूरा किचन का सामान बाहर फैला हुआ था, बस ये लग रहा था कि जल्दी से मैच जीते और फिर हमारा काम हो। और इंडिया ने वो कर दिखाया, इंडिया क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया और सबकी आंखों में वो खुशी थी कि इतने सालों बाद वर्ल्ड कप हमारे हाथों में है, तो मतलब एक अलग खुशी थी और सोसाइटी की तो इतनी खुशी थी, मतलब इतने लोग बाहर आके चिल्ला रहे थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। वो दिन बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा, हर एक इंडियन के लिए खुशी का दिन था वो। तो यही मैच देखते देखते हमारा ब्लॉग भी कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसी रही आपकी खुशी इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर, मतलब आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।